गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू गुड मॉर्निंग मैम कहा विद्या कल भी नहीं थी बेटा आप जी मैम कल नहीं थे आप लेक्चर के लिए नहीं मैम कुछ काम था अच्छा कुछ काम महत्वपूर्ण तो नहीं है बिटिया बहुत ज्यादा लेक्चर्स की तरफ ध्यान आपका दूर होता जा रहा है हटता जा रहा है ऐसा नहीं चलेगा है ना लास्ट ईयर बिटिया आपका तो आपने बहुत अच्छे से स्टडी करना चाहिए ओके जी चलिए आगे बढ़ते हम अभी डॉक्टर शंकर पुनकर जी के व्यक्तित्व कृतित्व से लेकर बात चल रही थी व्यक्तित्व लगभग हमारा आ, उनके जन्म तिथि से लेकर जन्म स्थल कहाँ पर है किस जगह पर वो रहते थे कहाँ उनकी जन्म तिथि है और किस प्रकार की जन्म तिथियों को वो मनाते थे और क्या उनका कोई प्रमाण है माता पिता के संदर्भ में हम सभी लोगों ने जानकारी प्राप्त कर ली है, है ना बचपन और शिक्षा के संदर्भ में भी लगभग हमारा हो गया था केवल इतना हमारा बाकी था पुण दाम्बेकर जी ने ग्वालियर के विक्टोरिया कॉलेज से बीए किया जो अब महालक्ष्मी महाविद्यालय के नाम से जाना जाता है आगरा के आगरा कॉलेज से सन 1947 में एलएलबी 1950 में हिंदी तथा उन्नीस में इतिहास में एम किया 1970 में पुणे विश्वविद्यालय से मुल्ला गवा से जीवन और काव्य का अनुशलन विषय को लेकर पीएचडी की उपाधि प्राप्त की मतलब देखिएगा कि इस एक ही वाक्य के भीतर उनकी पूरी एजुकेशन सिस्टम जो है वो क्लीन एंड क्लियर हो रही है पहली चीज तो है कि ग्वालियर के उन्होंने मतलब देखिए विक्टोरिया कॉलेज जो हमने आपको इसको पूर्व बताया था फोर्ट विलियम कॉलेज से लेकर अंग्रेजियों का अंग्रेज लोगों का ही निर्माण किया विक्टोरिया कॉलेज और विक्टोरिया कॉलेज का नाम उस समय में विक्टोरिया था आज चेंज हो गया जिसे हमारी नॉर्थ महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी का नाम उत्तर महाराष्ट्र विश्वविद्यालय था पहले अब वो नाम चेंज हो गया क्या नाम हो गया अभी याद आ रहा है आपको चौधरी वेरी गुड चौधरी उत्तर महाराष्ट्र विश्वविद्यालय जलगांव ठीक वैसे ही महाविद्यालयों के नाम चेंज हो गए विक्टोरिया कॉलेज में उन्होंने बीए किया अब महालक्ष्मी महाविद्यालय के नाम से वो कॉलेज जाना जाता है आगरा के आगरा कॉलेज से सन उन्नीस में उन्होंने एल किया एल से तात्पर्य वकीली से है वकालत से है 1950 में उन्होंने हिंदी में डिग्री ली उसके पश्चात उन्नीस में उन्होंने उसी कॉलेज से इतिहास में एम भी किया एक ही व्यक्ति है लेकिन पढ़ाई उसकी कितनी हो रही है और किस प्रकार से हो गई है देखिएगा लेकिन 1970 में पुणे विश्वविद्यालय से मुला गवा से जीवन और काव्य का अनुशीलन मतलब हिंदी में है ना इस विषय को लेकर उन्होंने पीएचडी की उपाधि प्राप्त किए तो यहाँ पर उनका व्यक्तित्व उनकी जन्म जन्मस्थल माता पिता बचपन और उनकी शिक्षा यहां तक हम लोग आपको बता चुके हैं क्या आपको यहाँ तक क्लियर हो गया है किसी को कोई डाउट है नहीं, नहीं बढ़ना है बेटा आगे ओके ओके okay, okay. नौकरी और आजीविका अब देखिए कि उधर निर्वाह करने के लिए अपने जीवन की नौका को चलाने के लिए कहीं ना कहीं नौकरियों की आवश्यकता होती है तो क्या है कहाँ वो चले गए और किस जगह पर उन्होंने अपनी आजीविका को पूरा करने का भरसक प्रयास किया तो मनुष्य जीवन में नौकरी एक महत्वपूर्ण कड़ी है नौकरी आजीविका का साधन तो है मन मनुष्य को जीवन जीने में आसानी हो जाती है डॉक्टर पुनतांबेकर अपने जीवन यात्रा की नौकरी के बारे में बिखरे पन्ने आत्मकथा में लिखते हैं गवांदे ने लश्कर में मुझसे कहा था चलो नौकरी चाहिए हो तो मेरे साथ जहां से चलो मैं उसके साथ हो लिया था यद्यपि नौकरी टेम्पररी थी वार टाइम तक का पूरा ऑफिस ही टेम्पररी था वार सोल्जर्स के अकाउंटेंट्स का नौकरी टेम्प्ररी पर वेतन खास था अस्सी रुपए सामान्यतः उन दिनों बाबू का वेतन 25 से 30 रुपए होता था अतः 80 रुपए हमारे लिए बड़ी रकम थी देखिए दोस्तों कि ये बात चल रही है हम कहे कि जैसे उन्होंने 1970 में पीएचडी कर लिया शायद उसके पहले की बात हो रही होगी या उसके बाद की कि जिस प्रकार से उन्होंने नौकरी की तलाश कर रहे थे तो बिखरे हुए पन्ने में उनकी जो आत्मकथा के पन्ने हमें मिलते हैं, बिखरे पन्ने उसके अंतर्गत उन्होंने आत्मकथा को भले भाती रूप से परिचित करा दिया कि मैं किस प्रकार की नौकरी करना चाहता था लेकिन किस जगह पर मैं नौकरी के लिए लग गया टेम्पररी नौकरी की बहुत ऐसे लोग होते हैं कि जो टेम्पररी बेसिक पर न जाने कितने साल गवा देते हैं इनको अस्सी रुपए उस जमाने के थे और बाबू का वेतन मतलब सब लोग लाला और बाबू बनने के लिए होते थे बाबू का तात्पर्य है कि कारकुनी का कार्य होता था और वहां पर जो लश्कर आता था मतलब सेना में वो भर्ती हो गए थे तो उनकी जो नौकरी थी वो टेम्पररी रूप में थी और वार टाइम तक मतलब जब तक युद्ध वार का मतलब युद्ध युद्ध का जब तक सूचना नहीं मिलती है आ, जो उसका अनुपालन नहीं किया जाता है तब तक वो जो ऑफिस लगेगा और तब तक उनकी नौकरी तय की गई कुछ समय बाद मतलब डॉक्टर पूनित आंबेकर जी ने सितंबर 1947 से जून 1960 तक विदिशा के एस एल जैन इंटर कॉलेज में अध्यापन कार्य किया मतलब देखिएगा कि 1947 से लेकर 1960 तक उन्होंने विदिशा के एस एस एल जैन इंटर कॉलेज में टीचिंग का कार्य किया मतलब वहां पर भी वह अध्यापन रूप में अध्यापक के रूप में कार्यरत रहे विदिशा का जैन हाई स्कूल सन 1951 में इंटर कॉलेज बन गया था उन्होंने सोचा यही कॉलेज जब डिग्री कॉलेज बन जाएगा तो मैं कनिष्ठ प्रवक्ता से वरिष्ठ प्रवक्ता बन जाऊंगा सन 1958 में वह डिग्री कॉलेज बन तो गया परंतु वह पद पर उन्हें न मिल सका कई ऐसी फैसिलिटीज होती हैं कि जिस फैसिलिटी के कारण हम वहाँ पर प्रवक्ता के रूप में नहीं जा पाते हैं मिल नहीं पाती हैं या धरोहर की वजह से हो या पॉलिटिकल की वजह से हो या कहीं ना कहीं तो ये सब बातें जुड़ती है कि जिसके तकदीर में वो होता है वो उसे मिलकर रहता है तो यहाँ पर भी वो जो डिग्री कॉलेज बनने जा रहा था कि जिससे जिसमें उन्होंने इतने सालों तक कार्य किया तो करिष्ठ प्रवक्ता से वो वरिष्ठ प्रवक्ता बनने की कोशिश भरसक प्रयास वो कर रहे थे लेकिन वह पद उन्हें नहीं मिल सका अतः सर 1960 में अपनी चो, नौकरी छोड़कर वे जलगांव के मुलजी जेठा महाविद्यालय में वरिष्ठ प्रवक्ता के रूप में कार्य करने लगे देखिएगा कि 1960 की बात करते हैं हमारा एमजे कॉलेज है ना मतलब मूलजी जेठा महाविद्यालय में वो अध्यापक के रूप में कार्य अभी 1960 की बात कर रहे हैं जब हमारा आपका क्या हमारा भी जन्म नहीं हुआ था उस समय की बातें यहाँ पर होने जा रही है कि उस समय में डॉक्टर शंकर तांबेकर जी जलगांव के मूलजी जेठा महाविद्यालय में वरिष्ठ प्रवक्ता के रूप में कार्य कर रहे हैं और सन उन्नीस से सन उन्नीस तक हिंदी विभागाध्यक्ष के नाते उन्होंने सफलतापूर्वक कार्य भी किया अब देखिए ना ऐसा व्यक्ति की जो जिंदगी की ठोकरे खा रहा है जो जिंदगी में संघर्ष को भुगतान रहा है जिसने खास तौर पर टेम्पररी बेसिक पर अन्य दूसरी जगह पर कार्य किया हुआ है और जब न्याय देने की बात आती है तो मुलजी जेठा महाविद्यालय में उन्होंने भरसक प्रयास किया विभागाध्यक्ष बने और विभागाध्यक्ष की जो ड्यूटी होती है वो बहुत ही सख्त होती है मतलब उन्हें तो अपने अंडरग्राउंड लोगों से भी कार्य करवाना है ग्राउंड लेवल से भी बातें करनी पड़ती है वो भी प्यार भरे मीची वाली बातें करनी पड़ती है और ऊपर वाले जो उनके लोग होते हैं मतलब हम कहें जैसे प्रिंसिपल्स है या अन्य कलीग है उनके साथ भी उन्हें बड़ा अच्छा बर्ताव रखना पड़ता है बच्चों के साथ भी छात्रों के छात्र भी डिपार्टमेंट्स के अन्य सदस्यों के साथ भी और प्रिंसिपल्स के साथ भी तो विभागाध्यक्ष होने के नाते अत्यंत सफलतापूर्वक उन्होंने कार्य किया इस दीर्घ उन्हें गंभीर आचार्यत्व प्रदान कर दिया स्वाभाविक सी बात है जितनी ज्यादा गहनता होती जितने ज्यादा साल बीतते चले जाते हैं ना दोस्तों उतने ज्यादा सालों को बीतने के पश्चात होता क्या है कि एक गंभीरता अपने आप आ जाती है हम गंभीरता से तात्पर्य ऐसा चेहरा नहीं कि जिसके चेहरे पर बहुत ऐसा गंभीर भाव दिखाई दे रहा है ये गंभीर भाव नहीं बल्कि हम कहें कि मैच्योरिटी आ जाती है मतलब कई बार अध्यापन की शैली में भी जैसे अध्यापन का कार्य करते समय अब आप लोग उसकी परीक्षा ले सकते हो कि हर एक व्यक्ति का पढ़ाने का तरीका अलग अलग होता है वेरी डिफरेंट मतलब हर कोई व्यक्ति अपने अपने ढंग से अपने अपने अनुरूप पढ़ाता चला जाता है लेकिन पढ़ाने की स्टाइल अलग होती है जैसे न्यूले लगे हुए लोग हैं तो उनमें वह गंभीरता I don't know, लेकिन जैसे इस वाक्य से प्रतीत हो रहा है उस वाक्य के साथ हम आपके साथ बताना चाहते हैं कि जैसा जितना एक्सपीरियंस होता है पढ़ाने का तो उस एक्सपीरियंस के साथ साथ उस मनुष्य में वह गंभीरता आ जाती है मैच्योरिटी आ जाती है पढ़ाने की कि बच्चों को कैसे किस ढंग से पढ़ाया जाए बच्चे कैसे पढ़ेंगे बच्चों को ये टॉपिक किस तरीके से पढ़ा दिया जाएगा तो ये जो गंभीरता है ये जो मैच्योरिटी है तो ये मैच्योरिटी का तो गंभीर आचार्यत्व का प्रदान उन्हें अपने दीर्घ कारण प्राप्त हो गया बाद में इन्होंने नौकरी से अवकाश प्राप्त कर अपना सारा समय साहित्य सृजन में समर्पित कर दिया ये जो वाक्य है ना दोस्तों ये वाक्य बहुत ही महत्वपूर्ण है कैसा महत्वपूर्ण वाक्य है क्या किया उन्होंने इन्होंने जब नौकरी से अवकाश प्राप्त किया मतलब जो रिटायर्ड अफसर के रूप में प्राप्त हो गए तो रिटायर्ड होने के बाद भी कई लोग ऐसे होते दोस्तों कि रिटायर्ड होने के बाद कुछ भी नहीं करते और कुछ करना भी नहीं जानते हैं न चाहते हैं न जानते हैं और जान बुझ कर वो कुछ कार्य करते भी नहीं है ऐसा भी होता है क्योंकि पूरी जिंदगी भर उन्होंने किताबों के साथ बिताई हुई है तो उन्हें ऐसा लगता है कि नहीं बाबा अब तो हमें किताबों से भी अवकाश लेना है किताब नहीं पढ़नी किताब पढ़नी के लिखने भी नहीं है पढ़नी नहीं तो लिखना भी कहां से लेकिन हमारे जो डॉक्टर शंकर पूर्ण तांबेकर जी थे इन्होंने लगातार कंटिन्यूसली यदि आप लोगों में से किसी के घर पर आकाशवाणी चलती है तो आकाशवाणी के अर्ली मॉर्निंग में इसके पूर्व भी हम आपको बता चुके हैं छह बजकर पांच मिनट में लगता है विचार पुष्पा तो उस विचार पुष्प में हमेशा एक वीक में दो या चार बार तो उनका आना ही आना है तो आज भी डॉक्टर शंकर पुनः आंबेकर जी अपने इस साहित्य जगत में आकाशवाणी की दुनिया में यदि वो जीवित है तो हम कैसे कह सकते हैं कि उन्होंने अपने नौकरी के अवकाश प्राप्त करने के पश्चात उन्होंने अपने साहित्य सृजन को समर्पित नहीं कर पाए निश्चित ही तौर पर दोस्तों उनका जो साहित्य सृजन की उनकी जो लेखनी थी वह निश्चित ही तौर पर समर्पित रूप में थी एक डिवोशन था कि नहीं आ, मुझे अपने हिंदी के लिए कुछ करना है अपने साहित्य के लिए कुछ करना है और जिस कारण उन्होंने लगातार से व्यंग्यात्मक रचना लिखते गए विचार तो करते थे दोस्तों की वो फंक्शन जो नॉर्थ महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी उत्तर महाराष्ट्र विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग द्वारा आयोजित किया गया था डॉक्टर सुनील कुलकर्णी जी आयोजक थे और लगभग हम कहे कि पांच साल हो गए उस घटना को तो उस घटना ने आज याद दिला दी दि कि जैसे उनका साहित्य सृजन कितना समर्पित था मतलब वो जो घटना थी वो शोधालय को प्रस्तुत करने की थी हाँ मुझे याद आया वो विषय वह विषय कुछ ऐसा था कि देवनागरी लिपि और उसकी वैज्ञानिकता के बारे में उन्होंने पूछा पत्रकारिता के संदर्भ में था ना? पत्रकारिता का हिंदी साहित्य में योगदान किस प्रकार से है यह वो विषय था तो अध्यापक मतलब एक टीचिंग वाले लोगों के लिए स्पर्धा थी और बच्चों के लिए भी छात्रों के लिए भी थे तो हमें फर्स्ट प्राइज मिला था गोल्ड मेडलिस्ट रहे हम उस समय के तब याद आ गया कि उस मंच पर डॉक्टर शंकर पूर्ण तामेकर जी भी थे चरण स्पर्श कर लिया बात नहीं हो पाई और उसके बाद शायद ही हम उस उनका दर्शन भी नहीं कर पाए मतलब वो घटना इसलिए भी याद आ जाती है कि किस प्रकार से मनुष्य जीवन के अंतिम दौर तक अंतिम दौर तक वह साहित्य सृजन करने के लिए समर्पित हो गया कि ठीक है मेरे बच्चे पढ़ रहे हैं हम पढ़ हम नहीं पढ़ पा रहे हम मंच पर नहीं जा पा रहे तो क्या हुआ लेकिन सुन तो पाएंगे इतने अच्छे साहित्यकार अब नए सृजनकर्ता निर्माण हो गए हैं छात्रों का उन्होंने सुना पूरे दिन भर वो कार्य करते रहे पूरे दिन भर सुनते रहे और उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है कि छात्र ने गलत कहा इसने ये कहा उसने कुछ भी नहीं इतनी प्रामाणिकता इतनी सहृदयता हम कही इतनी निष्पक्षता यदि कोई साहित्यकार में होते तो निश्चित तौर पर दोस्तों ऐसा साहित्यकार कभी अपने जीवन से शारीरिक तौर पर चला गया हो लेकिन मानसिक तौर पर वैचारिक तौर पर आध्यात्मिक तौर पर हम उसे उन्हें कहे कि वह साहित्य की दुनिया में अजराम होकर रहेंगे और ऐसे ही थे हमारे डॉक्टर शंकर जी। साल की लंबी जिंदगी जीते हुए भी उनकी स्वास्थ्य संबंधी कोई समस्या ही नहीं थी हमने बता दिया दोस्तों आपको कि उस समय में वो चल नहीं पाते थे मतलब आज भी हाँ डॉक्टर तेजपाल चौधरी जी की भी बात हम लोग यदि करते हैं तो लकुटिया लेकर चलते हैं हम जब डॉक्टर तेजपाल चौधरी जी पर प्रकाश डालेंगे तो उनके साथ घटित घटना को भी हम आपके साथ प्रस्तुत करेंगे कितनी सादगी लाइफ में वो भी हम देख पाएंगे तो देखिएगा कि जैसे हमने आपको अभी भी बताया कि कंफर्मली कन्फर्मली साल याद नहीं आ रहा है लेकिन पांच छह साल लगभग हो गए हमें वो फर्स्ट अवार्ड लेते हुए फर्स्ट गोल्ड अवार्ड हमें मिला हुआ था शोध निबंध वाचन का तो उस संदर्भ में वो वहां पर थे लेकिन जिंदगी के आखिरी दौर तक जब वो व्यक्ति कार्य कर सकता है तो आप और हमारे जितने महत्वपूर्ण काम होते हैं खास तौर पर अभी अभी चर्चा चल रही थी कि हाँ मैम कुछ जरूरी काम थे तो जरूरी कामों को उतना ज्यादा महत्वपूर्ण मत दीजिएगा जितना अध्ययन की प्रणाली को आपको महत्वपूर्ण देना चाहिए बेटा क्योंकि तो ये कार्य वापस नहीं आ, आ पाएगा आपको और हमारे जो अपलोडिंग वाले भैया है वो शायद ही आपके गूगल क्लासरूम पर डाल नहीं पा रहे हैं क्योंकि हमारा यूट्यूब पर नहीं जा पा रहा है अभी अब आज वो सिस्टम को करेक्ट करने वाले हैं पता नहीं क्या हो गया है इस सिस्टम को तो आज लगभग आपको सारे जितने भी वीडियो हैं वो वीडियो आपके गूगल क्लासरूम पर मिल जाएंगे या आपने केवल डॉक्टर रूपाली के चैनल को भी सब्सक्राइब कर दिया डॉक्टर रूपाली दिलीप चौधरी के चैनल को सब्सक्राइब कर दिया तो आपको जितने भी आपके लेक्चर्स होते हैं उतने सारे लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे अपने आप मतलब आपको गूगल क्लासरूम पर भी जाने की आवश्यकता नहीं होगी चलिए चलते हैं तो जैसे उनके साहित्य सृजन की समर्पित वाली भावनाओं को देखते हैं तो बयानवे साल की लंबी जिंदगी जीते हुए भी उनकी स्वास्थ्य संबंधी कोई समस्या नहीं थी लकुटिया लेकर आए थे वो वहां पर जब हमारे साथ मिले थे है ना मतलब देखिए कि मनुष्य को जो भाषा का प्रभाव होता है या भाषा का भाषा पर होने वाला प्यार होता है या जज्बाते उनकी होती है कि नहीं हम और कुछ ग्रहण करना चाहते उस जिंदगी में भी उनको कुछ बोलना नहीं था उस मंच पर लेकिन वो केवल छात्रों की वाणी को सुनने के लिए लोलुप थे कि नहीं आज के बच्चे कैसे बोलते हैं उनके विचार क्या है भाषा को लेकर पत्रकारिता को लेकर उनके विचार क्या है ये हम सुनने के लिए आए ऐसा उनका वक्तव्य था देखिएगा हम लोग अपने टीचर्स को नहीं सुन सकते हैं और वो कितने बड़े विद्वान हैं कितनी बड़ी निष्ठा है उनकी कितनी बड़ी सरदयता है उनकी कि वो तो हमारे जैसे छोटे छोटे अध्यापकों को कुछ अब भी अभी लगे हुए थे और उस समय में उन्होंने हम उन लोगों को स्वीकार कर लिया कि नहीं बहुत ही बढ़िया हुआ अब देखिएगा कि जब फर्स्ट प्राइज लेकर निकलते हैं नीचे आते हैं नीचे बैठने वाले हमारे गुरुजनों को प्रणाम करते हैं तो कितनी प्यारी बात और कितनी अः मतलब ये कहे कि सिर ऊंचा उठ, 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 उठ जाता है हमारा गौरव से कि नहीं हमने जो भी प्राप्त किया है यहाँ आप ही की बदौलत है सर जी हमें कुछ नहीं आता था तो देखिए ऐसे बड़े विद्वान की जो अ देहावसान है अंत जो है वह इकतीस जनवरी दो हजार को दोपहर डेढ़ बजे उनका देहावसान हुआ मतलब जो हमने इंसिडेंट बताया तो छह साल पहले का इंसिडेंट हमने आपको बताया था है ना अब तिथि करेक्ट याद नहीं इस कारण हम सन आपको बता नहीं पाए लेकिन जो बात हुई वो 2016 के पहले की बात हुई तो 31 जनवरी 2016 को दोपहर बजे उनका देहावसान हुआ उनकी मृत्यु से उनके परिवार का ही नहीं क्षेत्र में व्यंग विधा का भी बहुत बड़ा नुकसान हुआ सही तो बात है दोस्तों की कि किस प्रकार से उन्होंने अपने जीवन की नौका को पार करते हुए व्यंग विधाओं को ही नहीं बल्कि साहित्य के हर सृजन को अपना कार्य उन्होंने समर्पित रूप से कर पार कर दिया था यहां तक क्लियर हो गया हो तो हम लोग आगे बढ़े अब उनके विवाह एवं विवाहोत्तर जीवन के संदर्भ में जानकारी ले क्लियर हो गया आप सभी लोगों को किसी को कोई डाउट नहीं मैम क्लियर मैम आपकी आज्ञा है बेटा अब आगे जाने की यस मैम हाँ, चलिए विवाह को पूर्णताम्बेकर जी जीवन का अत्यंत रोमांचक क्षण मानते हैं बिखरे पन्ने आत्मकथा में डॉक्टर पूर्णताम्बेकर जी ने शादी के संदर्भ में अपनी भावना को व्यक्त किया विदिशा में एक साल नौकरी करते ही घर में शादी की बात चलने लगी वे चाहते थे एमए पूरी उन्हें तक शादी नहीं करेंगे पर बड़े भाई साहब के कहने पर लड़कियां देखने चले गए वे कहते हैं दो चार लड़कियां देख लेने पर मैंने महसूस किया कि लड़की देखने में तमीज मुझमे नहीं है देखिएगा दोस्तों की वास्तविकता भी मनुष्य को आत्मसात करनी आनी चाहिए मेरी जो प्रॉब्लम है वो मैं यदि मेरी समस्या क्या है मेरा ड्रॉबैक क्या है यदि मैं मेरे दोस्तों के साथ शरीक करता हूँ या मैं मेरे पाठकों तक वो पहुंचाता हूँ तो मुझसे ज्यादा बड़ा और कोई नहीं हो सकता मतलब अपनी जो गलतियां है उन गलतियों को भी हमें स्वीकार करना आना चाहिए यही एक वाक्य से हम लोगों को सीख मिल जाती है दो चार लड़कियां उन्होंने देख ली ले, लेकिन लड़कियां देखने की तमीज मुझ में मतलब लड़कियों को कैसे देखा जाता है किस नजरिए से देखा जाता है कौन से नजरिए से तात्पर्य किस एंगल से देखा जाता है है ना समझेगा आप भी एक लड़की हो लडकी होने के नाते जब आप लोगों को वो देखने का जो रिवाज होता है होता है ना देखने का रिवाज मतलब कई लोगों को तो घर पर आते हैं चाय देते हैं और फिर प्रश्न पर प्रश्न करते हैं दरअसल ये ये है कि आपको देखने का जो एंगल है उस एंगल से वो कहते हैं कि लड़के देखने की तमीज मुझ में नहीं है लड़के देखने पर मैं नहीं कर पाता था कि हाँ करूं या ना करूँ आखिर इंदौर की लड़की से शादी पक्की हुई है यह लड़की मेरी विदिशा वाली भाभी की सगी भांजी थी बड़ी बहन की लड़की है शादी तय होने पर अधिक रूप हो सका तय हुआ जून उन्नीस में हुई प्रत्यक्ष शादी दिसंबर में इंदौर में हुई मतलब देखिएगा कि उनकी शादी कब हुई कहा हुई तो इंदौर की वो लड़की थी जिस कारण इंदौर में वो शादी हुई डॉक्टर शंकर तांबेकर जी की पत्नी का नाम मालती था सन 1940 में विवाहबद्ध हुई थी उनकी पत्नी का उनके जीवन में अमूल्य योगदान रहा मालती जी को गायन तथा पेंटिंग आदि कलाओं में रुचि थी सधर्मिणी के साथ सहकर्मीनी बनकर उनकी सृजनशीलता में सहयोग देने वाली मालती जी के संदर्भ में शंकर पूर्णतांबेकर जी क्या कहते देखिएगा दोस्तों पत्नी वह उपहार होती है जो पति को ही नहीं बल्कि पूरे परिवार को संजोने का कार्य करती है अब किस प्रकार से एक यदि मार्मिक हम लोग करें कि प्रेमचंद जी के लाइफ में जो पहली पत्नी उनकी थी वो बेचारे लिखते थे रोज रात को लिखते थे और वो सुबेरे उठते ही चूल्हे में उनका राइटिंग डाल देती थी तो क्या वो पत्नी आवश्यक है कि उनकी सृजनशीलता में सहयोग देती है नहीं दोस्तों निश्चित तौर पर नहीं लेकिन जब हम मालती जी की बात करते हैं तो मालती जी ने एक सहकर्मिणी बनकर एक सहधर्मिणी बनकर दो शब्द दो वर्ड आ रहे हैं उन दो वर्डों को आप लोगों को ध्यान में रखना है एक तो सहधर्मीनी है मतलब सहचरिणी के रूप में आ रही है और सहकर्मिणी नेवाधिकार से माँ फलेश्वर कर्म करते जाइए फल की आशा मत रखी लेकिन ये जो फल की आशा रखने वाला कर्म करने वाला जो इंसान है वह भी साथ में कर्म करने वाला होना चाहिए ऐसा नहीं है कि एक काम करता जा रहा है और दूसरा बैठ के आ, वो खाने के लिए लोलू फो रहा है ऐसा नहीं है तो वह सहधर्मिणी के साथ साथ सहकर्मिणी बनकर उनकी सृजनशीलता में सहयोग देती है मालती जी के संदर्भ में स्वयं शंकर पूर्णतांबेकर जी क्या कहते हैं पत्नी हाँ। पत्नी परिवार संभाले हुए थे ऐसे कि कभी मुझे दालाटे का भाव मालूम ही नहीं होने दिया कितनी प्यारी बात उन्होंने बता दी मतलब देखिएगा कि कई कई टाइप के लोग होते हैं कई टाइप के यदि हम बात करें कि परिवार की तो परिवार में अधिकतर अधिकतर जो नारियां होती है तो उनका एकमात्र सृजन होता है कि नहीं हम बैठेंगे आपको बाहर से लेकर आना है मतलब हर कार्य पति करेगा लेकिन मालती जी ने दाल का आटे का भाव कभी अपने शंकर पूर्णतांबेकर जी को पता ही नहीं चलने दिया मतलब ये कार्य स्वयं खुद ही कर लिया करती थे इंदौर की मालती झोकर कर पूर्णतांबेकर जी से शादी कर पुष्पलता पूर्णताम्बेकर बन गई आपको पता होगा दोस्तों कि आ, नाम चेंज हो जाते शादी के बाद नाम चेंज हो जाते शादी के बाद मालती नाम था तो मालती जी का नाम क्या हो गया अभी पुष्पलता हो गया मालती और पुष्पलता दोनों के दोनों नामों में साम्यता दिखाई देती है आपको क्या साम्यता है मालती पुष्पलता कुसुम इन नामों में साम्यता है कौन सी साम्यता है क्या आप लोग बता पाओगे कोई भी कोई भी बताए जरूरी नहीं है कि कोई एक, एक ही व्यक्ति बताए लेकिन आपको भी तो आना चाहिए इनकी साम्यता के बारे में आपको भी आना चाहिए हाँ बोलिए बोलिए हाँ बोलिए आप लोग मैम आप ही बता दीजिए अरे यार कितनी देखिए कितनी सिंपल वाली बात है कि मालती से तात्पर्य क्या है और पुष्पलता से तात्पर्य है पुष्प पुष्प से तात्पर्य क्या है फूल और लता से तात्पर्य क्या है बेला और मालती से तात्पर्य वही है कुसुम से तात्पर्य वही है कि जो पुष्पों से बना हुआ है मालती से तात्पर्य है कि ऐसा पुष्पित फूल है कि जो सबको झकोर देता है और इनका नाम मालती झोकर है और ये शादी के पश्चात पुष्पलता पूर्ण तांबेकर बन जाती है क्लियर हुआ अभी डॉक्टर सौ अनुपमा रत्नाकर प्रभु ने शंकर जी की पत्नी की बारे में कहती हैं अतिशायल सदाबहार व्यक्तित्व की पुष्पलता जी ने महादेवी वर्मा जब मराठी साहित्य सम्मेलन के उपलक्ष में जलगांव में आई थी तब उनके सम्मान समारोह के आयोजन संयोजन का उत्तरदायित्व उन्होंने सफलतापूर्वक निभाया था शंकर जी का ज्य पुत्र अरविंद औरंगाबाद के स्टेट बैंक में अफसर है दूसरा पुत्र सुहास मुंबई में हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी में जनरल मैनेजर ऑफ अकाउंट्स है तीसरा पुत्र मनोहर नासिक में सार्वजनिक निर्माण विभाग में इंजीनियर है पुत्री रश्मि ने हिंदी में एमए किया है तथा एक एजेंसी में टाइपिस्ट के रूप में कार्यरत है संस्कार संपन्न और मर्यादा पूर्ण जीवन जीने वाले शंकर जी ने अपने बच्चों को भी वही संस्कार नैतिकता की प्रेरणा आत्मनिर्भरता का प्रशिक्षण कर्तव्य परायणता कर्मठता की सीख दिए वह सब कुछ दिया जो एक सुयोग की संतान के लिए आदर्श पिता दे सकता है पूर्णतांबेकर जी नौकरी से अवकाश प्राप्त होने के बाद साहित्य सृजन करते रहे अंतिम समय में अपने अंतिम समय में उनके समग्र साहित्य के खंड प्रकाशित करने हेतु वे वाणी प्रकाशन से जुड़े थे कानपुर का जो वाणी प्रकाशन है उसके साथ वो जुड़े हुए थे आप देखिए यहाँ तक तो हम चले आए दोस्तों हमने देख लिया कि उनका व्यक्तित्व क्या है उनका कृतित्व क्या है उनकी पत्नी के संदर्भ में उनके विचार क्या है उनके बच्चों के उन्होंने कौन कौन से संस्कार दिए उनकी शिक्षा क्या है बचपन क्या है तो हो सकता है कि आपको एकाथ कोई राइटर के बारे में पूछा जाए तो आप ये सारी घटनाओं को इन सारी चीजों को आप बहुत अच्छे से याद कर लीजिए लिख लीजिए आपको भेज दिया है प्रिंट आउट बहुत दिन हो गए हैं शायद आपका राइटिंग भी अब कंप्लीट होने में आया होगा यहां तक क्लियर हुआ आपको जी मैं। आगे बढ़े आपकी आज्ञा हो तो जी. देखिए ये बड़ा वाला पॉइंट है और केवल टेन मिनट हमारे पास है आ, हम चाहते हैं दोस्तों कि आप बहुत अच्छे से उसे आत्मसात करें आ, लेखन विषय विचार प्रेरणा तथा प्रभाव यह अत्यंत तो महत्वपूर्ण तो टॉपिक जैसे कि हम बात कर चुके हैं इसके पूर्व भी कि उनका जो साहित्य सृजन की उनकी प्रेरणा थी या उनका जो साहित्य सृजन चला वह जीवन की अंतिम दौर तक उन्होंने आत्मसात किया तो क्या दोस्तों कई ऐसा हो पाता है कि कई लोग अपने रिटायर्ड होने के पश्चात भी अपनी लेखन शैली को साहित्य के निर्माण को कंटिन्यूसली रख पाते हैं निश्चित तौर पर डॉक्टर शंकर जी, डॉक्टर विश्वास पाटिल जी कुछ ऐसे ही विद्वान हैं कि जिन विद्वानों ने अपने लेखन शैली से अपने वाचन शैली से अपने साहित्य सृजन की शैली से लोगों को अब तक अपने एक सूत्रता में बांध रखने का प्रयास किया दोस्तों जरूरी नहीं है कि वो बड़ी ही बड़े बड़े विश्वविद्यालयों के साथ यूनिवर्सिटी की बड़ी डिग्रियां लें यदि हम बात करते हैं संत तुकाराम की संत ज्ञानेश्वर की संत नामदेव की तो क्या यह किसी विश्वविद्यालय की बड़ी बड़ी उपाधियां हासिल किए थे नहीं लेकिन उनके व्यक्तित्व के कारण उनके कृतित्व के कारण उनके विचार प्रेरणा के कारण उन्होंने लोगों को एक सूत्रता में बांध रखा था और यही एक सूत्रता हर एक साहित्य प्रकार में भी होती है आप लोग देखते होंगे कि कई लोगों के लेक्चर्स में बोर होता है ना ऐसा लगता है कि यार कब खत्म होगा और कई लेक्चर्स के लेक्चरर्स के जो लेक्चर्स होते हैं मतलब अब तो इसका इंसान आपको खुद को करना पड़ेगा और आप लोग करते भी होंगे आप लोगों में डिस्कशन भी होता होगा कि कौन से टीचर्स का पढ़ाने का तरीका आपको बहुत अच्छा लगता है तो ये डिपेंड करता है पहली चीज तो आपकी सेंसिटिविटी पर क्योंकि हर अध्यापक अपनी शैली के अनुसार अपने मेंटेलिटी के अनुसार और जितना हुनर उसे दिखाना है उस हुनर के अनुरूप ही वह पढ़ाना चाहता है लेकिन खास तौर पर अब ऑनलाइन सिस्टम के माध्यम से हम आपको बताना चाहेंगे कि इसकी जो प्रेरणा मिलती है तो लेखन और वाचन या हम यू कहिएगा कि एक अच्छा साहित्यकार यदि हमें बनना है एक अच्छा वक्ता यदि हमें बनना है तो सबसे पहले हमें अच्छा श्रोता बनना पड़ेगा जब तक हम लोग बहुत सारे ढेर सारे तमाम ऐसे लोगों को बड़े बड़े साहित्यकार को जब तक हम पढ़ेंगे नहीं जब तक हम इन्हें सुनेंगे नहीं है ना तब तक हमारे लेखन की जो शक्ति है लेखने की जो प्रेरणा है वो हमें नहीं मिल पाएंगे ध्यान में रखिएगा यह वाक्य मतलब जो हमें हमारे गुरुओं ने बताया था इंदौर की बात चली तो मन प्रफुल्लित हो गया पल्लवित हो गया क्योंकि आ, हमारी दो डिग्रियां हम एमए के पश्चात की एमफिल और डीएवीवी से पीएचडी की उपाधि जो है वो हम इंदौर से ले चुके हैं तो इंदौरस का नाम लेते ही आ, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय सामने आ जाता है और लेखन और वाचन की प्रेरणा हमें वहां से मिली डॉक्टर राजेंद्र मिश्र जी के शब्दों में यदि कहा जाए कि मन वही वक्ता होता है बहुत अच्छा वक्ता वो ही कहलाता है कि जो वक्ता सब लोगों को अच्छे से सुनता है ना और जो सुनता है तो वह कंटिन्यूसली रूप में सुनता चला जाता है तो उसकी जो प्रेरणा है वो अपने आप जागृत होती है और कुछ ऐसा ही हुआ कि लेखन विषय जो विचार उनके थे प्रेरणा उनकी रही तो उनकी प्रेरणा कैसे रहे हम अब उसे देखते हैं शंकर पूर्णताम्बेकर जी विद्यार्थी जीवन से लेखन तथा वाचन में रुचि रखते थे कुंभराज और विदिशा में पढ़ते समय मराठी का समाचार पत्र नवाका मराठी की मासिक पत्रिका किलोस्कर पढ़कर उनकी पढ़ने में रुचि और बढ़ने लगी पूर्णताम्बेकर जी लिखते हैं लिखने की पीछे की मूल भावना अभिव्यक्ति है उस अभिव्यक्ति की जो अच्छे बुरे की प्रतिक्रिया स्वरूप मनुष्य में होती है ऐसे वैसे नहीं विलक्षण अच्छे बुरे की प्रतिक्रिया स्वरूप अब देखिएगा कि लिखते समय मनुष्य ये नहीं जानता है कि मैं अच्छा लिख रहा हूं या बुरा लिख रहा हूं समाज के हित के लिए लिख रहा हूं या समाज के विद्रोह के रूप में लिख रहा हूं बस वो लिखता चला जाता है और यही जो लिखने की प्रेरणा थी उन्हें वो उनके मतलब जब मराठी की मासिक पत्रिका किलोस कर पढ़ा तो उस पढ़ने के पश्चात जो रुचि उन्हें लगी तो रुचि और भी ज्यादा पढ़ने पढ़ने में लग गई नवाकार उन्होंने समाचार पत्र मराठी का पढ़ा क्योंकि अधिकतर उनका जो कार्यकाल है वो मराठी लोगों के साथ में बीतने के कारण उनको मराठी भाषा के प्रति भी अधिक रुचि रहे और जिस कारण उनका जो पढ़ने की रुचि थी वो बढ़ने लग गए और वह प्रतिक्रिया छोटी मोटी रचनाओं को लिखने का प्रयास निरंतर रूप से करते हैं तो सन उन्नीस से लेकर 41 तक पुणीत जी ने स्कूल मैगजीन के लिए छोटी मोटी रचनाएं लिखा और स्वयं वो कहते हैं कि मुझे याद है और उन्होंने अपना एक इंसिडेंट बताया कि जब मैं नौवीं कक्षा में था तो मराठी में कथा लिखी थी काव्य चोर मुंबई का प्रतोड़ पत्रिका में वो छप गई थी तब मैं लिख सकता हूं इस बात का मुझे विश्वास हो गया देखिए जब हम लोग ऐसे बड़े बड़े साहित्यकारों के साथ मिलते हैं ना बड़ा मजा आता है दोस्तों हाँ मिले थे आपको याद आ रहा हो आ रही होगी कि चित्रा मुद्गल की कहानी थी जिनावर आपने शायद पढ़ी नहीं होगी आपको दूसरा सिलेबस रहा होगा लेकिन चित्रा मुद्गल एक बहुत अच्छे साहित्यकार है बहुत ही आज के जमाने की बहुत ही अच्छी मतलब अंतिम दशक के साहित्यकारों के बीच में आने वाली महिला साहित्यकार तो जैसे हमारी उनके साथ मुलाकात हुई तो पहला प्रश्न उनके लिए यही था कि मैम आपने लिखने का इंटरव्यू के लिए गए थे उनके पास तो बस घूमने के लिए गए थे हमने सोचा चलो इनकी मुलाकात कर लेते हैं साक्षात्कार ले लेते हैं और हो सकता है कि ये साक्षात्कार हमें लाइफ टाइम अपने जीवन में कुछ कामयाबी की ओर हासिल हो और निश्चित तौर पर हुआ ही ऐसे तो उनको सवाल हमने ऐसा किया था कि मैम आपको लिखने की शैली कहाँ से मिली आप कैसे लिख पाए तो बस उन्होंने बताया कि ऐसे एक मासिक पत्रिकाओं का दौर चल रहा था जिसमें हमें लिखने के लिए बोला था तो बस हमने लिख दी वो कहानी और वो कहानी भी अपने मतलब जैसे ही वो कुछ खा रहे थे और उस समय में एक अछूत बच्चा उनके पास आ गया और चूकर चला गया तो उनकी दादी ने उन पर इतनी जोर से चाटा मारा था तो जिस चाटे का मतलब वो नहीं समझ पाए कि मुझे क्यों मारा गया और जिस कारण वो लिखने के लिए बाध्य हो गई कि जाति भेद की जो व्यवस्था है उसे किस तरीके से मैं नष्ट करना चाहिए क्यों मुझे दादी ने चाटा मारा बस दादी के चाटा मारने से इतनी प्रभावित हो गई कि वह लिखने के लिए उनकी प्रेरणा मिले उन्होंने वो जब लिखा तो जब उन्होंने उस मासिक पत्रिका में डाल डाला तो उन्हें फर्स्ट प्राइज मिला और जिस फर्स्ट प्राइज मुझे मैं यदि कुछ लिख सकती हूँ तो मुझे फर्स्ट प्राइज आ सकता है तो मैं और लिखूंगी घर बैठे तो मुझे लिखना और बस यही बात हुई ठीक वही इंसिडेंट आज इनके साथ भी हो रहा है कि जो उन्होंने मराठी में कथा लिखी थी काव्य चोर अब काव्य चोर को उन्होंने तो अपनी प्रतोड़ कहा पत्रिका में छपा दिया और तब उनके माइंड में यह आया कि मैं कुछ लिख सकता हूं और इस बात का उन्हें विश्वास हो गया मराठी साहित्य भी तांबेकर जी को पढ़ना पसंद था मराठी साहित्य के ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त रचनाकार वी स खांडेकर जी के वे प्रशंसक थे साहित्य के प्रेरणा स्रोत के बारे में उनका कहना है कि खांडेकर मेरे मराठी लेखन के प्रेरणा स्रोत हैं और हिंदी में प्रेमचंद अभी अभी हमने प्रेमचंद जी की चर्चा की और प्रेमचंद जी सभी को अच्छे लगते हैं दोस्तों क्योंकि प्रेमचंद जी के जीवन में आह उपनती है और जो उपनने वाली आह है उसमें वाह नहीं दिखाई देता क्योंकि उसमें संघर्ष दिखाई देता है और यही संघर्ष की जो भावना है जो व्यक्ति संघर्ष के साथ जूझता है जो व्यक्ति संघर्ष झेलता है जो व्यक्ति संघर्ष को सहता है वह व्यक्ति प्रेमचंद जी को लाइक करता है और यही हुआ कि जब <coughs> जब डॉक्टर शंकर पुणीकर जी अपने लाइफ में हम लोग देख सकते हैं कि किस प्रकार से गरीबी थी और एक जगह से उनको सब कुछ मिला था लेकिन वहां से उनकी दादी उनको लेकर चली आई ग्वालियर में छोटे मोटे काम करके उनकी जीवन नौका को आगे बढ़ाया फिर वो नौकरी की तलाश में इधर उधर घूमते चले गए कितने सालों तक उन्होंने अः कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब किया फिर उनको आ, जो आमदनी मिल रही थी वो बहुत कम थी एक जगह पर उन्हें लगा कि बस हमारा